नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज खबरें विस्तार से। भिंड जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले के उमरी थाना क्षेत्र के ग्राम रूर गांव के आधा दर्जन दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर कमल सिंह के साथ रूर की पुलिया पर जमकर मारपीट की है। उसके बाद दबंगों ने कमल सिंह को उमरी बाजार ले जाकर आधा घंटे तक लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। उसके बाद गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया है, जहां इलाज के दौरान कमल सिंह की मौत हो गई है। पुलिस ने 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गाँव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय विधायक संजीव सिंह कुशवा भी मौके पर पहुंचे हैं। कमल सिंह के साथ आज से 7-8 महीने पूर्व इन्हीं लोगों ने इतनी बेरहमी से मारा था और उन्हीं लोगों ने ये दोबारा फिर एक घटना को अंजाम दिया है। सुनने में आया यहाँ वो लगन में आए थे किसी कार्यक्रम में? हाँ, सुनियोजित तरीके से वो यहाँ कल एक रोड में लगन थी, उसमें आए थे। एक लड़का भेज के कमल सिंह को घर से बुलाया और कमल सिंह के पास मोटरसाइकिल नहीं थी तो वो ट्रैक्टर लेके गए। वहाँ जब देखा तो वही लोग उन्हें नज़र आए जो पूर्व में उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में मामला पंजीबद्ध किया है या आरोपी गिरफ्तार किए हैं? हाँ, पुलिस ने बताया है कि 307 का मुकदमा पहले काम किया था। जब कमल सिंह आज ख़त्म हो गए तो उसी मामले को 302 में कन्वर्ट कर दिया है और 2 या 3 आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी के जो आरोपी हैं, अभी बताया एसडीओ साहब ने कि उनके विरुद्ध शायद 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है। कमल सिंह के साथ आज से 7-8 महीने पूर्व इन्हीं लोगों ने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता धर्मेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, इस दौरान उसकी मौत हुई है, क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो कमल सिंह है शुक्रवार की दरमियानी रात में जो पूर्व में अपराधियों ने जो मारपीट की थी, उन्होंने फोन करके रूर गांव से रूर की पुलिया पर बुलाया था, जहां कमल सिंह को घेरने का प्रयास किया तो कमल सिंह ने अपने ट्रैक्टर से उनकी बाइक में टक्कर मारी थी, जिसमें एक व्यक्ति के पैर टूटे और उन्हें कमल सिंह को मारने के लिए काफी प्रयास किया गया। उनके साथ में लगातार आधा घंटे से अधिक मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में रूर गांव से 2 किलोमीटर दूर उमरी बाजार में कमल सिंह को रात को 12 बजे छोड़ गए थे। हालांकि जो अपराधी लोग थे वो रूर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। शादी समारोह में मौका देखते ही वो अपराधियों ने कमल सिंह को फोन करके बुलाया था। हालांकि उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे साथ में इतनी बड़ी घटना घटी जाएगी और लोगों ने वहां से जो अपराधी वो मारने की ही फिराक में यहां तक आए थे। बताया जा रहा है पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी लोग कहां पर, उन्हें कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? जी, मैं बताना चाहूंगा, कल दरमियानी रात में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसमें 2 अज्ञात भी आरोपी हैं। लगातार पुलिस ढूंढ रही, वही पूर्व में घटना घटी थी उसको लेकर उमरी थाने की पुलिस लगातार शराबी और शराबा व्यापारी की हत्या के आरोपियों को ढूंढ रही। उसी दरमियान दबंगों ने अपराधी किस्म के लोगों ने मौका देखते ही एक दूसरी घटना को घटित अंजाम दे दिया। इस घटना से अभी 20 दिन नहीं हुए, उससे बाद में एक घटना और घटित हो गई। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।